याद रखिएगा कि अगर आपका बेबी पहला बेबी है तो मूवमेंट यूजुअली पाँचवें महीने के बाद स्टार्ट होती है या एंड ऑफ फोर्थ मंथ पर भी आपको ये स्टार्ट हो सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका पहले बच्चा है तो वो हो सकता है आपको मूवमेंट थोड़ी अर्ली प्रिसीव होना शुरू हो जाइए। मूवमेंट को ट्रैक करना स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि एक दफ़ा जब खातून घर चले जाती है तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे हम बेबी की खैरियत को कन्फर्म कर सकें, तो हम अक्सर खवातीन को कह देते हैं कि अपनी मूवमेंट का ख्याल रखिएगा। अगर आपको 28 वीक्स के बाद मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो उसका तरीका ये होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा जकी है। हम आज बात करेंगे कि बेबी की मूवमेंट जो है वो प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। बेबी की मूवमेंट जो होती है उसको लेके खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। याद रखिएगा कि अगर आपका बेबी पहला बेबी है तो मूवमेंट यूजुअली पाँचवें महीने के बाद स्टार्ट होती है या एंड ऑफ फोर्थ मंथ पर भी आपको ये स्टार्ट हो सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका पहले बच्चा है तो हो सकता है आपको मूवमेंट थोड़ी अर्ली प्रिसीव होना शुरू हो जाइए, लेकिन अगर आपको फिफ्थ मंथ में भी मूवमेंट परसीव नहीं होती है तो बड़ा ज़रूरी है कि ये बात अपने डॉक्टर को बताइए ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके बेबी की वेलबींग को, बेबी की खैरियत को कन्फर्म कर सके। इसके बाद अगली बात ये है कि मूवमेंट को कैसे ट्रैक करना चाहिए और कितना ट्रैक करना चाहिए। मूवमेंट को ट्रैक करना स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि एक दफ़ा जब खातून घर चले जाती है तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे हम बेबी की खैरियत को कन्फर्म कर सकें, तो हम अक्सर खवातीन को कह देते हैं कि अपनी मूवमेंट का ख्याल रखिएगा। उसको ख्याल रखने का क्या तरीका है कि यूजुअली चलते फिरते, उठते बैठते वैसे तो मूवमेंट्स आप रिसीव कर रहे होते हैं और हर वक्त आपको इसको गिनने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली खवातीन को मूवमेंट का पैटर्न समझ आ जाता है और वो मूवमेंट को परसीव करती हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि अच्छा एक या दो घंटे या इससे ज़्यादा बेबी मूव नहीं किया, तो वहाँ वो वरीड हो जाती हैं और वो थोड़ी देर रुकती हैं, सोचती हैं, और अगर फिर उन्हें मूवमेंट फील नहीं हो रही होती है तो वो हॉस्पिटल का रुख करती हैं। घर पर क्या तरीका, ऐसा तरीका किया जाए कि आपको गैर ज़रूरी बिला वजह हॉस्पिटल ना जाना पड़े। उसमें तरीका ये होता है कि अगर आपको 28 वीक्स के बाद मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक कमरे में चले जाएं जहाँ पे शोर ना हो और क्वाइट कमरे में चले जाइए और आपने किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कि मोबाइल या टीवी, सब कुछ बंद कर दीजिए। एक छोटा पेपर आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए आप ऐसे कमरे में चली जाइए जहाँ पर किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कि टीवी ना हो, मोबाइल ना हो और कोई शोर ना हो, और आप एक छोटा पेपर अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए और उस पर टाइम मेंशन कर दीजिए कि अच्छा इस वक्त 2 बज रहे हैं और मैं मूवमेंट को ट्रैक करने लगी हूँ। उसके बाद आप एक करवट लेके लेट जाइए, लेफ्ट साइड पर लेट जाइए, और उससे पहले कोई ड्रिंक वगैरह ले लीजिए, कोई मीठा वगैरह, अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो कोई मीठा या कोई बिस्किट्स या कोई स्वीट्स, कोई ऐसी चीज़ आप ले लीजिए या सिंपल पानी ही पी लीजिए, ठीक है, कुछ ले लीजिए। और उसके बाद आपने एक घंटा अपनी बेबी की मूवमेंट को फोकस करना है, ठीक है, और जैसे जैसे आपको बेबी की मूवमेंट हो जाती है वो पेपर आप ऐसे फाड़ते जाते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे पेपर फाड़ते जाते हैं इसका मतलब है आप अब ट्रैक रखते हैं बेबी की मूवमेंट का। ज़्यादातर पेशेंट्स को एक घंटे के अंदर 10 से 12 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं। अगर आपको आधे घंटे में ही 10 से 12 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं तो आपको उसको ट्रैक करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक घंटे में आपको 10 से 12 मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं तो अगला एक घंटा आप इसी एक्टिविटी को रखें, चूँकि बाज़ दफ़ा बच्चा 30 से 45 मिनट स्लीप में चला जाता है, स्लीप में उसका एक स्लीप पैटर्न होता है जिसमें फिर बेबी मूव नहीं करता या बहुत हल्का मूव करता है, तो आपने उस टाइम पर गुजारना होता है और आप अगले एक घंटे भी इसी चीज़ को फोकस करती हैं। अगर अगले एक घंटे में आपको 10 से 12 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं तो आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको मूवमेंट्स कम महसूस होती हैं तो आपने अपने जो करीबी हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, तो बच्चे के हार्ट बीट की एक स्ट्रिप निकलती है जिसे हम CTG कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये सिर्फ हार्ट रेट नहीं होता, इसमें बच्चे की और भी चीज़ों को देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है क्या ये बच्चा स्ट्रेस्ड है, क्या इस बच्चे को इमीडिएट डिलीवरी की ज़रूरत है, क्या हमें आपको हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत है, या इस वक्त जो आपको मूवमेंट कम फील हो रही थी वो सिर्फ एक वहम था और हम आपको हॉस्पिटल में भी ऑब्जर्व करके ऐसे ही किक काउंट चार्ट पकड़ाते हैं, कोई फ्लूइड्स लगाते हैं और ऑब्जर्व करके ही देखते हैं कि क्या वाकई ही बच्चे की मूवमेंट कम थी या फिर
ये सिर्फ एक वहम, अगर तो वाकई कम है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। अब ये सारी हिदायत उन पेशेंट्स के लिए थी कि जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की, जैसे कि कोई किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें बच्चा एट रिस्क होता है। ये वो पेशेंट्स हैं जिसमें अगर आपको एक घंटे के अंदर इतनी मोमेंट्स में रिसीव नहीं हुई हैं तो आपको अगला घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि आप अर्ली हॉस्पिटल चले जाएँ ताकि बच्चे की जो वेलबींग है को कंफर्म किया जा सके कि बेबी ठीक है। अगर वहाँ पे हमें डिस्ट्रेस का कोई साइन और सिम्टम मिलता है और ऑलरेडी कोई मेडिकल डिसऑर्डर भी है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, कोई पुरानी बीमारी चल रही है, ऐसा पेशेंट है, तो सूरत हाल में फौरी तौर पे जो एक्शन लिया जाता है वो बच्चे की लाइफ को सेव कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।